हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं आपका एनिमल किंगडम पे, जो प्राणी जगत के का जो टोटल क्लासिफिकेशन है उस पर बेस्ड हैं। तो आइए बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर स्पंजेस, फोर ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें कौन सा फ्रेश वाटर स्पंज है? साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया, स्पॉन्जेला एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फोर ऑप्शन दे रखे हैं, हाइलोनिमा, यूप्लेक्टेला, गॉर्गोनिया एंड फाइसेलिया। तो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है आपका फाइसेलिया को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लंग फिश? तो लंग फिश लेबियोरोहिता जो है, ये आपका लंग फिश की कैटेगरी में नहीं आती है। बाकी आप अगर देख लेंगे तो वो लंग फिशेज हैं, ये लेबियोरोहिता में आपके लंग्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एम्बुलेसरल ग्रूव इज फाउंड इन। तो एम्बुलेसरल ग्रूव जो है, ये आपका करेक्टर होता है इकाइनोडर्म्स का। मीजोडर्मल स्केलेटन इज फाउंड इन, मीजोडर्मल स्केलेटन फोर ऑप्शन दे रखे हैं, आर्थोपॉड्स, इकाइनोडर्म्स, एनिलिड्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स में आपका मीजोडर्मल स्केलेटन पाया जाता है। नेक्स्ट है, इन मैमल्स द डेंट्री ऑफ लोअर जॉ आर्टिकुलेट्स विथ, फोर ऑप्शन, जुगल, स्क्वेमोजल, टेरिगॉइड या पैलेटाइन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वेमोजल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ फाइलम एनिलिड, कौन जो है आपका एनिलिड का क्लास नहीं है, मतलब एनिलिड फाइलम का क्लास नहीं है। तो ट्रीमेटोडा जो है ये आपका नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी पॉलीचीटा एंड ऑलिगी चीटा, ये दो आपके एनिलिड्स हैं ऑलरेडी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। तो बुक लंग्स जो है आपका पाए जाते हैं स्कॉर्पियन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉर्पियंस। नर्व कॉर्ड ऑफ अर्थवर्म इज, तो नर्व फोर ऑप्शन है, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, मिडिल। तो ये हमेशा आपकी जो नर्व कॉर्ड है वो आपका वेंट्रल साइड में होती है। नेक्स्ट है, द एनिमल्स दैट रिले ऑन द हीट फ्रॉम एनवायरमेंट देन मेटाबॉलिज्म टू अराइज देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, एक्टोथर्मिक, पोइक्लोथर्मिक, होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टोथर्मिक। टीनिया सोलियम इज प्लेस्ड इन क्लास, टीनिया सोलियम का क्लास क्या है? फोर ऑप्शन है, ओलिगोचीटा, ट्रीमेटोडा, सिस्टोडा या टर्बुलेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टोडा। नेक्स्ट है, एरिस्टोटल लैंटन हेल्प्स इन। एरिस्टोटल लैंटन जो आपकी इकाइनोडर्म्स यानी इकाइनस में पाया जाता है, तो ये आपका हेल्प करता है डाइजेशन में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लार्वा ऑफ सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर को का आप नेम बताएं कमेंट करके कि सी कुकुम्बर किसको कहते हैं। लार्वा ऑफ सी कुकुम्बर जो है वो कौन सा है? ब्रैंक्यूलेरिया, इकाइनोप्लूटियस, ऑरिकुलेरिया या डोलुलेरिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑरिकुलेरिया। नेक्स्ट है, मिलीपीड्स आर करेक्टराइज्ड बाय, मिलीपीड्स जो हैं वो करेक्टराइज्ड बाय, इसमें आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा टू पेयर्स ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस द नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट आर फिक्स्ड। कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें आपका बॉडी सेगमेंट फिक्स होता है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, हीरोडिनेरिया, ऑलिगोचीटा, पॉलीचीटा। तो हीरोडिनेरिया यानी जो आपका जोंक होती है लीच, इसमें आपके सेगमेंट फिक्स होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कमेंट करके बताएं कि इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ जो सेगमेंट होते हैं वो कितने होते हैं। हीरोडिनेरिया यानी कि हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा यानी कि लीच में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड फ्लूक। ग्रेनों में से कौन सा जो है वो ब्लड फ्लूक है? फेशियोला, सिस्टोसोमा, पैरागोनिमस या ऑफिस्ट्रोकस, ऑफिस्टोरिकस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, सिस्टोसोमा। नेक्स्ट है, एनिमल, एन एनिमल नॉट हैविंग नोटोकॉर्ड हैज ए काइटनस एंडोस्केलेटन। उसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, काइटनस एंडोस्केलेटन एंड 19 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस इट शुड बी इंक्लूडेड इन। तो ये आपका 19 पेयर जो आप जो अपेंडिजेस हैं, इतने अपेंडिजेस जो आपके पाए जाते हैं वो क्रस्टेशियंस में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रस्टेशिया। द हार्ट ऑफ डैश इज कॉल्ड वेनस हार्ट। तो वेनस हार्ट आपका कहलाता है फिशेस में। अब इसमें फिशेस में अगर आप देखोगे तो जो आपका डॉग फिश है इसमें आपका वेनस जो हार्ट है वो आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इज। तो यूरोकॉर्डेट का लार्वा जो है वो क्या कहलाता है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, टैडपोल, ग्लोचिडियम या नोपलस एफायरा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ट्रोकोफोर का लार्वा होता है वो टैडपोल लार्वा होता है। नेक्स्ट है, वेरियस इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल रिपीट्स इट्स एंसेस्ट्री। दिस वाज सजेस्टेड बाय, ये आपका था ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। तो ये आपका दिया था आर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है, पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरीपेटस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स के मध्य, एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस आर फाउंड इन। तो डार्विन फिंचेस आपका पाई गई थी गैलापागोस आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन बियर गेव। तो वॉन बियर ने क्या दिया था? तो वॉन बियर गेव रिकैप्चुलेशन, फोर ऑप्शन, रिकैप्चुलेशन हाइपोथेसिस, बायोजेनिक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन बी, बायोजेनिक लॉ, क्योंकि रिकैप्चुलेशन थ्योरी तो आपका आर्नेस्ट हैकल ने दी थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रू अबाउट ओवरी इन बर्ड्स। फोर ऑप्शन, लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल, राइट ओवरी इज फंक्शनल, बोथ तो है नहीं क्योंकि इसमें आपका एक रूडिमेंट्री होती है लेकिन बहुत रूडिमेंट्री नहीं होती है। अब लेफ्ट होती है कि राइट, तो राइट वाली जो फंक्शनल होती है वो ज़्यादातर आपका ह्यूमंस में होती है, राइट वाली मोर फंक्शनल होती है। वैसे तो दोनों फंक्शनल होती हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल, 24 का ए होगा। राइट ओवरी जो होती है इसकी रूडिमेंट्री होती है। नेक्स्ट है, चागास डिसीज इज कास्ट बाई। तो चागास डिसीज इज कास्ट बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा जो है ये आपके पाइला यानी स्नेल जो हैं ये गैस्ट्रोपॉड्स में आते हैं। लिविंग फॉसिल्स एमंग फॉलोइंग, तो लिविंग फॉसिल्स जो है ये आपका कहा जाता है स्फिनोडॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूथीरियन मैमल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब यूथीरियन मैमल्स के बारे में कहा गया है तो मेंस्ट्रुएशन भी जनरली अदर में पाया जाता है, विविपैरिटी भी। कार्पस कैलोसम जो है ये आपका यूथीरियन मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है।
नेक्स्ट है एसीलोमेट्स वर्टिब्री आर फाउंड इन, तो एसीलोमेट्स वर्टिब्री आर फाउंड इन, तो एसीलोमेट वर्टिब्री जो आपके पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं, सॉरी एसीलोमेट बोल रहे हैं, एसिलस, एसिलस वर्टिब्री आर फाउंड इन, एसिलस वर्टिब्री, एसीलोमेट, सीलोमेट जो आपके एनिमल होते हैं वहाँ चले गए थे हम थोड़ा। एसिलस वर्टिब्री आपका जो है मैमल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लास्पर्स आर फाउंड इन, तो क्लास्पर्स आपके प्रेजेंट होते हैं डिप्नोई और यूरोडिला में तो होते नहीं हैं। अब बच्चे कॉन्डिक्थ्रीज एंड ऑस्टिक्थ्रीज, तो डॉग फिश में आपका होते तो हैं क्लास्पर, कॉन्डिक्थ्रीज में आपका क्लास्पर प्रेजेंट होते हैं। द फ्लाइटलेस बर्ड्स बिलोंग टू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्ड्स से वाले से रिलेटेड, रेटिटे, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं रेटिटे। नेक्स्ट है टीथ ऑफ फ्रॉग आर, तो टीथ ऑफ फ्रॉग आर, तो फ्रॉग के जो टीथ होते हैं ये होते हैं पॉलीफाइडोंट, द स्कल कंडाइल्स इन फ्रॉग आर फॉर्म्ड बाई, फोर ऑप्शन दे रखे हैं एक्सो ऑक्सीपिटल, बेसी ऑक्सीपिटल, सुप्रा ऑक्सीपिटल या ऑसीपिटल, ऑप्शन ए इज राइट, एक्सो ऑक्सीपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्टिलिजिनस फिश, इनमें कौन सा कार्टिलिजिनस फिश नहीं है, शार्क, टारपीडो, स्कोलोडियन, तो शार्क और स्कोलोडियन तो कन्फर्म है। अब बची आपका टारपीडो, टारपीडो भी आपका कार्टिलेजिनस फिश है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। रेड कोरल, रेड कोलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोलते हैं कोरेलियम को। हेयर बिलोंग्स टू जीनस, अब हेयर जो है जिनको हिंदी में खरहे कहा जाता है ये बिलोंग करते हैं आपका लीपस से। नेक्स्ट है इन रिगार्ड्स टू इट्स हैबिट द रैबिट इज, इन रिगार्ड्स टू इट्स हैबिट द रैबिट इज, तो रैबिट ना आपका नॉक्टर्नल होता है ना डायूरल होता है, तो ये आपका होता है एक जो मध्य वाला संध्याकालीन जो समय होता है क्रिपस्कुलर। नेक्स्ट है स्फिनोडॉन बिलोंग टू, स्फिनोडॉन जो है आपका ये बिलोंग करते हैं रेप्टाइल्स से। नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोसम इन ब्रेन फाउंड ओनली इन, तो अभी ये क्वेश्चन हो चुका है, कॉर्पस कैलोसम जो है आपका ओनली इन यूथेरियन मैमल्स, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट फाउंड इन मैमल्स, मैमल्स में कौन सा सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो आपका लोअर जो आपके फ्रॉग और फिश इनमें प्रेजेंट होता है, तो ये रीनल पोर्टल सिस्टम आपका इनमें नहीं होता है। ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व ऑफ एमनियोट्स इज, तो ट्वेल्थ आपका होती है हाइपोग्लॉसल, लास्ट जो होती है क्रेनियल नर्व हाइपोग्लॉसल। नेक्स्ट है नियोटेनी इज शोन बाई, नियोटेनी कौन शो करता है, तो नियोटेनी आपका शो करते हैं एक्सोलोटल लार्वा। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज एग्जिबिटेड बाई, फोर ऑप्शन एम्फियोक्सिस, हर्डेमानिया, बैलेनोग्लॉसिस या मिक्साइन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हर्डेमानिया। नेक्स्ट है टर्टल्स बिलोंग टू ऑर्डर, टर्टल्स किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनेप्सिडा। नेक्स्ट है टीथ आर एब्सेंट इन, टीथ किस में एब्सेंट होते हैं, तो टीथ एब्सेंट होते हैं आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं टॉर्टॉइस, फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, तो फ्लाइटलेस बर्ड हो या फ्लाइंग बर्ड हो दोनों में टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टॉर्टॉइस में भी एब्सेंट होते हैं, मतलब इनमें भी एब्सेंट, इनमें तो एब्सेंट होते ही हैं, टॉर्टॉइस में भी एब्सेंट होते होंगे, मतलब होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है टंग वॉर्म इज कॉल्ड, तो टंग वॉर्म बोलते हैं बेलेनोग्लॉसस को। नेक्स्ट है
इंसेक्ट आर करेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ, तो इंसेक्ट का जो आपका होता है थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। इकाइनस इज कॉमनली कॉल्ड, तो कॉमनली इकाइनस को इकाइनस बोलते हैं सी आर्चिन को। नेक्स्ट है लार्वा ऑफ नेरिस इज, तो लार्वा ऑफ नेरिस जो है फोर ऑप्शन, ब्रैंक्यूलेरिया, वेलिजर, टॉर्नेरिया या ट्रोकोफोर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रोकोफोर। नेक्स्ट है एक्यूडिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, एक्यूडिना जो है कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, तो ये है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में। विच आर द फॉलोइंग इज द पैरासाइट ऑफ मैन, मैन का पैरासाइट कौन है, तो ये है आपका सिस्टोसोमा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेल प्लेट्स इन काइटॉन, नंबर ऑफ शेल प्लेट्स इन काइटॉन, तो नंबर ऑफ जो सेल प्लेट्स होती हैं काइटॉन में वो होती हैं 8। नेक्स्ट है एक्सटर्नल गिल्स, एक्सटर्नल गिल्सलेट्स इन पेट्रोमाइजोन आर, तो पेट्रोमाइजोन में जो एक्सटर्नल गिल्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं 7 पेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोनी फिश, क्लेरियस लेबियो और हिप्पोकैम्पस ये तो बोनी फिश हैं, अभी क्वेश्चन हुआ था। टारपीडो जो है ये आपका कार्टिलेजिनस फिश है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ये आपका बोनी फिश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, कौन जो है आपका रियल फिश है, तो सिल्वर फिश है ये तो आपका ऑर्थोपॉड्स में हो गई, स्टार फिश, इकाइनोडर्म्स, जेली फिश, सीलेंट्रेड्स, राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी जो है आपका फिश रियल फिश नहीं है, ट्रू फिश मतलब नहीं है। नेक्स्ट है मैमल्स आर करेक्टराइज्ड बाय, मैमल्स आर करेक्टराइज्ड बाय, फोर आपके करेक्टर दे रखे हैं इसमें, जो आपका फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ईयर ऑस्कल्स, मेमोरी ग्लैंड, एम्फीप्लेटियन वर्टिब्री, यानी ऑल ऑफ दीज, ईयर ऑस्कल्स भी होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं, एम्फीप्लेटियन वर्टिब्री भी होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्री, इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड नहीं है, नॉट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो स्नेक हो, फ्रॉग हो, लिजर्ड, ये सभी कोल्ड ब्लडेड है, फ्लाइटलेस बर्ड जो है ये आपका कोल्ड ब्लडेड नहीं है। नेक्स्ट है परचिंग मैकेनिज्म, अब परचिंग मैकेनिज्म इज फाउंड इन रेप्टाइल्स, फ्लाइंग मैमल्स, बर्ड्स या लिम्बलेस, राइट आंसर ऑप्शन सी बर्ड्स। नेक्स्ट एरिस्टोटल लैंटन इज फाउंड इन, ये पाया जाता है इकाइनस में। नेक्स्ट है बॉट्रियोडल टिश्यू आर प्रेजेंट इन, तो बॉट्रियोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका लीच में। मिग्जाइन बिलोंग्स टू क्लास मिग्जाइन, तो मिग्जाइन आपका होता है, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया ये तो होगा नहीं, कॉन्डिक्थीज भी नहीं होगा, ये होगा आपका साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज कॉमनली नोन एज ब्रिटल स्टार, इसको आपका ब्रिटल स्टार कहा जाता है, एस्टीरियास, ऑफ्यूरिया, इकाइनस या कुकुमेरिया, ऑप्शन बी ऑफ्यूरिया। नेक्स्ट है मेड्रीपोराइट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, मेड्रीपोराइट आपका पाया जाता है इकाइनोडर्म्स में। नेक्स्ट है इकाइनोकॉकस इज कॉमनली कॉल्ड, तो इकाइनोकॉकस को कॉमनली बोलते हैं आपका डॉग टेपवर्म। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ फिशेस, ये आपका होती है इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है इन मैमल्स किडनी इज, तो मैमल्स किडनी जो होती है फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा मेटानेफ्रिक। विच इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो ये है आपका शार्क। नेक्स्ट है सी हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
सी हॉर्स किसका एग्जाम्पल है? तो ये है आपका फिशेस का। वेल फिशेस बिलोंग्स टू क्लास, वेल फिशेस बिलोंग टू क्लास, वेल फिशेस की बात करी जा रही है, तो हो जाएगा मैमिलिया का। लार्जेस्ट एग बिलोंग्स टू, लार्जेस्ट आपका एग पाया जाता है ऑस्ट्रिच में। नेक्स्ट है प्रीन ग्लैंड ऑकर्स इन, फोर ऑप्शन रेप्टिलिया, एविस, फिशेस या मेमेलिया। तो प्रीन ग्लैंड आपके प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा, चूंकि ये बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, एवीज। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पीकॉक। आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का इसका जूलॉजिकल नेम बताएं कि पीकॉक का जूलॉजिकल नेम क्या है। नेक्स्ट है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये आपका पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, ऑल वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट है फोर चैम्बर्ड हर्ट ऑकर्स इन, फोर चैम्बर्ड हर्ट किस में प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स में एंड मैमल्स में। नेक्स्ट है द एग ऑफ मैमल्स इज, तो मैमल्स का एग वैसे तो आपका ए लेसिथल होता है, लेकिन इसमें आपका जो मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लेसिथल एंड माइक्रो लेसिथल। नेक्स्ट है स्कल ऑफ मैमल्स इज, तो मैमल्स का जो स्कल होता है वो होता है आपका डाइकोंडाइलिक। नेक्स्ट है न्यूमेटिक बोन्स ऑकर इन, न्यूमेटिक बोन जो आपका करेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का, बर्ड इसमें है पीकॉक। नेक्स्ट है टीथ ऑफ मैमल्स, तो थीकोडॉन्ट भी होते हैं, हेट्रोडॉन्ट भी होते हैं, डाइफाइडॉन्ट, राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन इज ओपन इन, ओपन ब्लड सर्कुलेटन सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच में। नेक्स्ट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ये पाप का पाया जाता है इकैनोडर्मेटा में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका प्रोटोजोअन सिंगल सेल हो जाते हैं, और पोरीफेरेंस में आपका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सीरन ट्रेट्स में आपका टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीवी पैरस, अब पेंगुइन और ऑस्ट्रिच दोनों हैं, एल्बेस्ट्रॉस भी एक बर्ड होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें सभी आपका ओवी पैरस हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोई भी आपका वीवी पैरस नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मंकी, कौन जो है आपका इंडियन मंकी है? तो ये आपका हो जाएगा मकाका। एग लेइंग मैमल इज, एग लेइंग मैमल है आपका डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट है पर्ल इज प्रोड्यूस्ड इन बाइवॉल्व बिलोंगिंग टू द जीनस, तो पर्ल आपका होता है पिंकटाडा वल्गरिस से होता है, तो ये आपका हो जाएगा पिंकटाडा, पूरा होता है पिंकटाडा वल्गरिस। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू क्लास टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो बिलोंग्स, अब स्कॉर्पियन जो है आपका बिलोंग, स्कॉर्पियन बिलोंग टू क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो बिलोंग, कौन सा है जो स्कॉर्पियन के क्लास से बिलोंग करता है? तो इसमें जो आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं कॉकरोच, क्रैब, टिक्स एंड बैरनेकल्स, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फाइलम हैज नन ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, तो इकैनोडर्म्स में कोई भी आपका फ्रेश वाटर नहीं है। नेक्स्ट है स्पर्मथीका ऑफ अर्थवर्म इज, अब इसमें फोर ऑप्शन दे रखे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म, सही है, फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म, सॉरी स्पर्मथीका इन अर्थवर्म, तो प्रोडक्शन तो करता नहीं स्पर्म का, वो तो आपका टेस्टिस में होता है, यानी ये गलत हो जाएगा। फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म ऑब्टेंड फ्रॉम मेल अर्थवर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड यूज इन फ्यूचर,
ये सही है आपका। इसमें स्पर्मथिका में स्पर्म स्टोर होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लीच सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स। तो हीरोडिन एरिया है, उसी से मिलता जुलता है हीरोडिन, इसका हीरोडिन एरिया ग्रेनुलोसा नाम है, उसी से मिलता जुलता है हीरोडिन। द एडहेसिव पैड्स सॉफ्ट पैड्स प्रेजेंट इन द लेग्स ऑफ कॉकरोच। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेन्यूले, प्लेन्यूल। नेक्स्ट है, ट्यूब फिट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन। अब ट्यूब फिट आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है स्टारफिश का, सॉरी स्टारफिश बोल रहे हैं और सिल्वर फिश पे निशान लगा रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए स्टारफिश। नेक्स्ट है, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। फ्लेम सेल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो आपका हाइड्रा कॉकरोच और हाइड्रिला इनमें तो होता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेनेरिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन इन सिल्वर फिश स्कॉर्पियन ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। उनमें कौन सा जो है वो कॉमन है? तो ये सभी आपके सिल्वर फिश और स्कॉर्पियन ड्रैगन फ्लाई प्रॉन आर्थोपॉड्स हैं, तो इनमें आपका जॉइंटेड अपेंडिजेस विद एंड काइटनस एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट है, कैरापीस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ। कैरापीस किस में आपका प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस में? तो ये प्रेजेंट होता है टॉर्टोइस में। रूमिनेंट्स बिलोंग टू ऑर्डर। तो रूमिनेंट्स आपके बिलोंग होते हैं ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ। अभी किसमें आपका नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एम्फियोक्सस। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। तो आर्कियोप्टेरिक्स तो ऑलरेडी फॉसिल्स है, तो लिविंग फॉसिल्स हो नहीं सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज एक्सक्लूसिव टू मैमल्स। अब कौन से जो आपके करेक्टर वो एक्सक्लूसिवली मैमल्स हैं? फोर ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ फोर चैम्बर्ड हार्ट, होमोथर्मिक कंडीशन, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। फोर चैम्बर्ड हार्ट्स तो आपका बर्ड्स में भी पाया जाए, होमोथर्मिक कंडीशन भी बर्ड्स में होती है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स तो ये भी आपका बहुत सारी फिशेज में भी आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, अदर जो आपके एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं उनमें आपके प्रेजेंट होते हैं लंग्स, तो ये करेक्टरिस्टिक एक्सक्लूसिव फीचर नहीं हुआ। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम ये आपका एक्सक्लूसिव आपका फीचर करेक्टर है मैमल्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट प्लेटिपस एंड कंगारू। अब इनके बीच में क्या कॉमन है? फोर ऑप्शन, टूथलेस जॉ, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओविपेरिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होमोथर्मी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। एपिस इंडिका हनी ठीक है, बॉम्बिक्स मुराई भी ठीक है, केनिया लक्का लाक ठीक है, पाइला पर्ल नहीं होगा। ये आपका मिसमैच है क्योंकि पर्ल तो आपका पिंगटाडा वुलगरिस से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ये आपका मिसमैच्ड है। एंड नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ सिल्क फॉर्म आर फाउंड इन इंडिया। कौन सी जो सिल्क फॉर्म की स्पीसीज है वो इंडिया में पाई जाती है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका एंथेरिया पैफिया जो है ये आपका इंडिया में पाई जाती है सिल्क फॉर्म की। नेक्स्ट है, कैटरपिलर एंड मैगट आर। कैटरपिलर एंड मैगट क्या हैं? तो ये आपके निम्फ्स हैं। नेक्स्ट है, इन विच सेगमेंट इन अर्थवर्म इज द
सॉरी एक मिनट, जो क्वेश्चन है वो है आपका, इन विच सेगमेंट इन अर्थवर्म इज द क्लाइटेलम इज प्रेजेंट। क्लाइटेलम किस में आपका प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है आपका 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में। नेक्स्ट है, द कलर ऑफ बॉडी इन अर्थवर्म इज ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर ऑप्शन, पोरफायरिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड एंड हीमोसाइनिन। तो ये तो होंगे नहीं, ब्लड भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, पोरफायरिन। नेक्स्ट है, लिम्फलेस एम्फीबियंस बिलोंग टू ऑर्डर। तो लिम्फलेस एम्फीबियन जो है ये आपका कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है जिम्नोफियोना। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसिलेनिया, एस्कॉन टाइप। इन विच ऑफ फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस, पाइथन। बाकी आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन हाइड्रा नेमेटोसिस्ट इज फाउंड ओनली इन। तो नेमेटोसिस्ट जो आपकी होती हैं वो बिल्कुल सरफेस पे लगी होती है, यानी एपिडर्मिस। इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन, फिश, अर्थवर्म, राउंड वर्म, लीवर फ्लूक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर फ्लूक। द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन, तो ये आपका केवल क्वाड्रेट्स में प्रेजेंट होती है। इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर स्टाल्क कार्ड। तो मोलस्कन आई ओवर स्टाल्क, तो ये कहलाता है एमेटोफोर। डेफनिया इज कॉमनली कॉल्ड वाटर फ्ली। नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिमिलर सेगमेंट विच आर कॉल्ड मेटामियर्स और सोमाइट्स। तो अर्थवर्म जो है आपका डिवाइड होता है 100 to 120, लगभग 120 होते हैं उसमें। नेक्स्ट है, ब्यूचेरिया इज फाउंड इन, तो ये आपका ब्यूचेरिया बैंक्रोप्टाई जो है ये लिम्फ नोड्स में पाई जाती है। अर्थवर्म हैव नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग बरोइंग द एंटीरियर एंड बिकम टर्गिट एंड एक्ट एज हाइड्रोलिक स्केलेटन इज ड्यू टू। हाइड्रोलिक स्केलेटन आपका सिलोमिक फ्लूड के थ्रू। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिड्स, सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट तो है नहीं, क्योंकि ये आपका पाया जाता है जो राउंड वर्म्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन ऑस्टिक्थीज। नंबर ऑफ गिल्स जो होते हैं वो होते हैं 4 pairs। द नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। राइट आंसर ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट है, द क्लोएका ऑफ फ्रॉग इज ए कॉमन चैम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब क्लोएका में यूरिनरी रिप्रोडक्टिव के अलावा आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक। नेक्स्ट है, मीजोग्लिया इज सीन बिटवीन। तो मीजोग्लिया आपकी होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच। नेक्स्ट है, ग्रीन ग्लैंड इज द एक्सिटी ऑर्गन ऑफ। तो ग्रीन ग्लैंड जो एक्सिटी ऑर्गन है प्रॉन का। द पैरासाइट विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन ए सिंगल होस्ट। कौन सा पैरासाइट है? तो ये आपका होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। नेक्स्ट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका पाया जाता है एकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट है, रॉयल जेली इज सिक्रीटेड फ्रॉम। तो ये रॉयल जेली जो सिक्रीटेड होती है ये आपका होती है हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड के थ्रू। नेक्स्ट है,
इन विच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलोम इज एबसेंट, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें सीलोम आपका एबसेंट है, तो ये है आपका प्लेटी हेलमेंथीस। इसके हेलमेंथीस में तो आपका सीडो सीलोमेट होते हैं, बाकी आपके सीलोमेटिक एनिमल हैं, तो इसमें आपका जो सीलोम है वो एबसेंट होती है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट, तो कंपाउंड आइज आपका प्रेजेंट होती हैं आर्थ्रोपॉड्स में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस, तो जो एक्स होते हैं, एक्स वो भी आपके कौन सी स्टेज के, जो एक्स होते हैं एक्स ऑफ अ, इसमें आपका जो स्टेजेस हैं फोर स्टेजेस दे रखी हैं, तो इसमें जो आपका सेकंड स्टेज का जो एग है वो आपका इन्फेक्टिव होता है, क्योंकि जब आगे जाता है तभी वो आपका अदर जो आपका उसका मैन होता है उसमें आपका नेक्स्ट स्टेज ये कंप्लीट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑर्निथोरिंकस इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑर्निथोरिंकस किसका एग्जांपल है, इज एन एग्जांपल ऑफ, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, डायनासोर्स, मोनोट्रीम मैमल या मार्सुपियल यूथीरियन, तो ये आपका है ऑर्निथोरिंकस मोनोट्रीम मैमल, मार्सुपियल नहीं है, डायनासोर नहीं है, यूथीरियन नहीं है, तो मोनोट्रीम मैमल होगा। नेक्स्ट है, लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी ड्रोन इज, तो हनी बी ड्रोन की जो लाइफ स्पैन है वो आपका 1 to 2 months है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बिलोंग टू किंगडम, तो आपका ये होगा बिलोंग टू किंगडम, द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बिलोंग टू किंगडम, तो मोस्ट वाइड स्प्रेड आपका प्लांटी है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज रिफर्ड एज, विच वन ऑफ दीज इज रिफर्ड टू एज वेनस फ्लावर बास्केट, तो यूप्लेक्टेला को बोलते हैं आपका वेनस फ्लावर बास्केट। द प्रेजेंस ऑफ ट्यूफिट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम, ट्यूफिट आपका प्रेजेंट होते हैं इकाइनोडर्मेटा में, लोकोमोटरी ऑर्गन है इसका। नेक्स्ट है, टू चैम्बर्ड हर्ड, तो टू चैम्बर्ड हर्ड आपका होता है फिशेस में। ऑल फ्लैट वर्म्स डिफर फ्रॉम ऑल राउंड वर्म्स इन हैविंग, तो ये हो जाएगा सॉलिड मेसोडर्म। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट पॉइजनस, मोस्ट पॉइजनस कौन सा है, ग्लास स्नेक, हॉर्न टोड, हेलोडर्मा, कैमेलियन, हेलोडर्मा है। वेनम ऑफ कोबरा, चूंकि ये आपका न्यूरोटॉक्सिक है तो ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। नेक्स्ट है, ट्यूफिड इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश। नेक्स्ट है, टिश्यू आर एब्सेंट इन द बॉडी ऑफ, अब किसकी बॉडी में आपका टिश्यू जो है वो एब्सेंट होते हैं, चूंकि स्पंज में आपका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इस वजह से इसमें आपका टिश्यू एब्सेंट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। विच वन ऑफ फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कौन जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो फ्लैट वॉर्म्स प्लेटी हेलमेंथीस जो हैं ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, फर्स्ट है आपका फ्लैट वॉर्म प्लेटी हेलमेंथीस इज सीलोमेट, ये तो गलत हो गया, सीलोमेट्स तो होते नहीं है फ्लैट वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स एस्के हेलमेंथीस आर सीडो सीलोमेट्स, ये आपका राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये आपका पाया जाता है यूरोकॉर्डेट यानी हर्डेमानिया में। नेक्स्ट है, ऑर्गन ऑफ जेकॉब्सन हेल्प इन
स्मेल, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिशन्स में आया है। स्मेल में हेल्प करता है। सिस्टिसर्कस स्टेज इज रिफर टू एज टीनिया सोलियम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाड्रोमस फिशेस। तो कैटाड्रोमस में आपका फ्रेश वाटर की फिश जाती है एग रिलीज करने के लिए मैरीन वाटर में। राइट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा एंगुला। नेक्स्ट है, विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास क्रस्टिशिया। अब क्रस्टिशिया से आपका बिलोंग करता है कॉकरोच, नहीं हो ग्रास हॉपर, मॉस्किटो नहीं हो, साइक्लॉप्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, साइक्लॉप्स। रेडुला इज फाउंड इन पाइला। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली मेंटेन्ड स्पीसीज ऑफ बी बाई बी कीपर्स। जो बी कीपर्स हनी बी जो पालते हैं, उसमें कौन सी आपका बहुत कॉमनली स्पीसीज है जो आपका बी कीपर्स उसको मेंटेन करते हैं? एपिस डॉर्सेटा, तो ये तो आपका बहुत एग्रेसिव नेचर की होती है। एपिस इंडिका बहुत छोटी होती है। बची दो मेलिफेरा एंड फ्लोरिया, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इंसेक्ट्स में आपका हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिसीज इन ह्यूमंस बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज दैट। तो जो माइक्रोस्पोरम जो आपके रिंगवॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए सेम अगर आप देखोगे तो ये राइजोपस एज ए मोल्ड, ये दोनों आपके सेम किंगडम में आते हैं, क्योंकि वो भी आपका फंगी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन फेरिटिमा इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन। तो इसमें आपका जो कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। क्लाइटेलम सिक्रीट कोकून, तो पहला ही मैच्ड है। क्लाइटेलम जो है वो कोकून सिक्रीट करता है, बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जॉ ऑफ शार्क कंटेन, तो जॉ ऑफ शार्क कंटेन एक्रोडॉन टीथ। नेक्स्ट है, इन द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच द गैलिया एंड लेसिनिया फ्रॉम माउथ पार्ट्स ऑफ, तो ये माउथ पार्ट्स हैं आपके मैक्सिले। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, तो फोर ऑप्शन दे रखे हैं। तो डॉग फिश तो आपका कॉन्ड्रिक्थीस हो जाएगा, जेली फिश, सिलेंट्रिट्स, आर्थोपॉड्स, ये आपका बिलोंग करती है मोलस्का से, डेविल फिश। फिशेज बिलोंग टू क्लास डिप्नोई आर कॉमनली कॉल्ड, तो डिप्नोई की जो फिशेज होती हैं इनको बोलते हैं लंग फिशेज। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, हर्डेमानिया, लार्वा ऑफ एनिलिडा, ट्रोकोफोर लार्वा। नेक्स्ट है, गट पैरासाइट्स बिलोंग टू क्लास, तो गट पैरासाइट बिलोंग टू क्लास सिस्टोडा, क्योंकि यही आपके सिस्टोड या आपके गट रीजन में पाए जाते हैं। प्लेटिहेलमिंथिस आर जनरली पैरासाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज एक्सेप्टेड, अब कौन सी क्लास एक्सेप्टेड है? टर्बिलेरिया। कॉमर्शियल पर्ल इज फाउंड इन, कॉमर्शियल पर्ल आपका ओस्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म हाइड्रोजोआ। कैनाल सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक इन, कैनाल सिस्टम पूछा गया है स्पंजेस में। नेक्स्ट है, हीमोसील इज फाउंड इन, हीमोसील इज फाउंड इन आर्थोपॉड्स। कैमिलियन इज एन, कैमिलियन क्या है? रेप्टाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे जो आपका लार्जेस्ट फाइलम है वो है आपका आर्थोपोडा। नेक्स्ट है, माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो आर एडाप्टेड फॉर, माउथ पार्ट जो आपके मॉस्किटो के होते हैं वो आपके होते हैं
piercing and shocking type. तो राइट आंसर ऑप्शन बी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड. मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स तो फ्रॉग, रैबिट और एस्केरिस में तो नहीं होते, हनी बी. नेक्स्ट है डैश ऑफ आइस आर फाउंड इन इंसेक्ट. तो इंसेक्ट में कंपाउंड आई पाई जाती है. नेक्स्ट है लार्वा ऑफ जेली फिश ऑरेलिया इज. तो लार्वा ऑफ जेली फिश जो होता है वो आपका होता है प्लेन्यूला. नेक्स्ट है पोइक्लोथर्म्स आर आल्सो नोन एज. फोर ऑप्शन आइसोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, हेट्रोथर्म्स. राइट आंसर ऑप्शन बी एक्टोथर्म्स. नेक्स्ट है हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज फाउंड इन. ये आपका पाई जाती है निडेरिया में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू साइक्लोस्टोमेटा. तो साइक्लोस्टोमेटा होता है पेट्रोमाइजोन. एन एगलिंग मैमल इज. एगलिंग मैमल्स कौन सा है? ऑर्निथोरिंकस. कॉम्प्लीट्स आर फाउंड इन. तो कॉम्प्लीट्स आपकी पाई जाती हैं प्लूरोब्रैंकिया में. राइट आंसर ऑप्शन डी. एंड इन इकोलोकेशन इन एनिमल दैट प्रोड्यूसेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड. तो ये इकोलोकेशन जो आपका पाया जाता है बर्ड्स में, इसी के थ्रू ये आपका अंधेरे में उड़ता है. द स्नेक ईटिंग स्नेक. अब ये आपका होता है किंग कोबरा. इतना बड़ा होता है कि ये स्नेक को ईट कर लेता है. द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाटिक वर्टिब्री. तो सबसे बड़ी तो ब्लू वेल होती है. नेक्स्ट होती है वेल शार्क. वेल शार्क. नेक्स्ट है लिम्बलेस एम्फीबियंस आर कॉल्ड. तो लिम्बलेस एम्फीबियंस आर कॉल्ड. फोर ऑप्शन दे रखे हैं, पेडल वॉर्म्स, ग्लो वॉर्म्स, कैसीलियंस या पिन वॉर्म्स. तो लिम्बलेस एम्फीबियंस आर कॉमनली कॉल्ड कैसीलियंस. द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. सेकेंड लार्जेस्ट है आपका मोलस्का. साइफनोफोरा इन ऑर्डर इन. साइफनोफोरा जो है ये आपका है निडेरिया का. नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन इज. प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? तो ये आपका बेस्ड है लोकोमोटरी ऑर्गन पे, लोकोमोशन पे. इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड. अब किस में आपका सेगमेंटेड होती? एनिलिड्स में. नेक्स्ट है एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ ड्यूट्रोस्टोम. अब इनमें कौन सा आपका ड्यूट्रोस्टोम नहीं है? अर्थवर्म. द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एनिमल फाइलम. बहुत रिसेंटली जो आपका डिस्कवर्ड हुआ है ताज़ा वो है आपका लॉर्सीफेरा. नेक्स्ट है इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इफ फाउंड डिवाइडेड इंटू कंपार्टमेंट्स विथ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स ऑर्गन रिपीटेड दैट द करेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम्ड. तो ये आपका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका मेटामेरिज्म का. गिवन बिलो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन. अब कॉन्ड्रोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स, अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, नेमेटोसाइट्स. तो इसमें आपका जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ये आपका स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन. ये कोई सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नहीं है, बाकी आप सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर ए फोर चैम्बर्ड हार्ट.
किसमें फोर चैम्बर्ड एम्फीबियन में होता नहीं है तो ये कट हो जाएगा, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। बाकी आप चेक कर लीजिए, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल, तो लिजर्ड में नहीं होगा, लिजर्ड में नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, इन ग्रुप में आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर। बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या कॉमन करेक्टर होता है, तो ये आपके पिगमेंटेड स्किन, एलिमेंट्री कैनाल ओरम भी होता है, विविपैरिटी भी औरों में पाई जाती है, लेकिन ये आपके वार्म ब्लडेड नेचर होते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब कौन सा आपका जो है सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप में है, कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, तो ये तो अलग अलग हो गए, बैट, पिजन भी अलग अलग हो गए, मंकी, चिंपैंजी, मैन, ये आपके सिंगल कैटेगरी में आएंगे, टैक्सोनॉमिक ग्रुप में आएंगे, सिल्कवॉर्म, टैपवॉर्म ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, पैजा मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो मीजो इन ओबेलिया, ओबेलिया में तो ऐसा होता नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। थैंक यू।